हरियाणा प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल व विधायक एनआईटी नीरज शर्मा अपने साथियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर जाकर राकेश टिकैत से मिले और उन्हें हर तरह से साथ होने का आश्वासन दिया। अपने बयान में नीरज शर्मा ने कहा कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है वह लगातार आंदोलन से जुड़े हैं, चाहे पलवल हो या सिंघू बॉर्डर, उन्होंने हर मोर्चे पर जाकर किसानों की मांगों का समर्थन किया है। शर्मा ने कहा कि जिस दिन से राकेश टिकैत की भरभरी आवाज सुनी, मन बहुत ही व्याकुल हो गया था कि सरकार ने कैसे षड्यंत्र रचा इस महा आंदोलन को फेल करने के लिए। तिरंगे के अपमान का नाटक किया गया और उसे मुद्दा बनाकर आमजन को इस आंदोलन के विरुद्ध किया गया। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान है और रहेगा, लेकिन बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह बताती हैं कि तिरंगे को छुआ तक नहीं गया। जो आमजन का समर्थन टिकैत को हासिल हो रहा है उससे सारी सच्चाई सामने आ गई। शर्मा ने कहा कि टीम पंडित की ओर से भी इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्नदाता का समर्थन और सम्मान करना चाहिए, अगर देश में अन्नदाता ही नहीं बचेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। नीरज शर्मा ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि रावण की तरह जिद्दी मत बनो, रावण की तरह अधर्म के रास्ते पर मत चलो, जैसे रावण की जिद्द में लंका का सर्वनाश हुआ वैसा ना हो, अन्नदाता की आवाज सुनो, उनके हित के लिए कार्य करो। तो नमस्कार, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा 1986 फरीदाबाद। आज हम लोग आए हैं यहाँ गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन को समर्थन देने। जब से ये आंदोलन हो रहा था, बदकिस्मती से हम सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर नहीं आ पाए थे, टीकरी बॉर्डर गए, सिंधु बॉर्डर गए, पलवल में गए और बहुत मन व्याकुल था। जिस दिन से राकेश टिकैत जी की फर्म भरी आवाज़ सुनी, दिल को तकलीफ भी हुई कि कैसे सरकार ने षड्यंत्र रचा इस आंदोलन को फेल करने के लिए, कि तिरंगे का अपमान हुआ। पहले दिन हमें भी बड़ी तकलीफ हुई, फोटो ऐसी दिखा दी कि तिरंगा उखाड़ दिया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, तिरंगा हमारी शान था, है और रहेगा। रावण की तरह जिद्दी मत बनो, रावण की तरह धर्म के रास्ते पे मत चलो, जैसे रावण ने जिद पकड़ ली थी कि नहीं, सीता माँ को वापस नहीं करना। बेटा मर गया, भाई मर गए, मंदोदरी समझा समझा के थक गई, पर रावण हर बार एक ही कहता था, निज भुज बल में बैर बढ़ावा। और बाद में उसका हासिल क्या हुआ, काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक तो चीनी एक ने खाई, और लंका का क्या नाश हुआ, 1,00,000 पोत 1,25,00,000 नाती, वही लंका ना दिया बाती। तो दिल्ली में बैठे वालों, अन्नदाताओं की आवाज सुनो, रावण मत बनो, राम राज्य की तरफ चलो। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई, आपका बेटा विधायक नीरज शर्मा, 1986 फरीदाबाद।